तो देखिए हम लोग टेस्ला से अभी उतर के अभी गांव आ गए हैं। अब इसी गांव में हमको 5 दिन रहना है। तो हम लोग देख सकते हैं गांव का कितना बड़ा सा और ब्यूटीफुल नज़ारा है। तो ये हमारा घर है जहां पे हम लोग 5 दिन रहेंगे। तो पूरा सामान वामान ले के देख सकते हैं हम लोग पूरे लोग आ गए हैं यहाँ पे। बंजोरनो, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। डे टू में आप लोगों का स्वागत है। इस गांव की एक और ख़ास बात बताना, तो ये मतलब 250-300 साल पुराना गांव है, क्योंकि 16वीं सेंचुरी से गांव बसा हुआ है। और इसके पहले मतलब हम लोग बिल्डिंग्स ही देख सकते हैं जैसा इसका स्ट्रक्चर है और जो मटेरियल से बना हुआ है। तो अभी मतलब सब छोड़ छाड़ के चले गए, अभी मतलब एक अबंडेंट जैसा प्लेस है। तो हमारा टारगेट क्या है, इसको मतलब एक्टिव करना है, री इन्वेट करना है लैंडस्केप पॉइंट ऑफ व्यू में। तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे बुलाया गया वर्कशॉप में 5 दिन के। दो पर्सोने क्विंटी सोनो 80, परफेक्ट 80। मौर्य सुमंत, अस्पेक्ट कमी सी फाइल ऑफ स्पेलिंग MAU M A A A A A for Apple. Apple. U U R Y A Y A Mara Sumant. सी मैं मेरी कॉल। तो पहले ही दिन एक छोटा सा मीटिंग हुआ था और फिर हम लोग यहाँ रहने के लिए 40-40 यूरो दिए थे पाँच दिन के लिए, मतलब हो गया 3,500 रुपया हो गया 5 दिन का। और यहाँ पे देख सकते हैं अपने गांव के जैसा एक कुत्ता है। तो शहर के कुत्तों से देखा जाए तो गांव के कुत्तों मतलब एकदम गांव जैसे लग रहे हैं सब। देख सकते हैं जैसे हमारे गाँव में रहता वैसे ही सेम कुत्ता है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर बिल्डिंग घर और देख सकते हैं मतलब कितना पुराना उराना है, कोई आदमी नहीं, सब घास भूसा उसी पर जाम रहा है, एकदम नेचर के जैसा है, पूरा ओपन जैसा। पीछे भी देख सकते हैं, लेकिन देखिए कितना अच्छे से बनाया गया, इसको रखा गया है। और फिर यहाँ जो टॉप व्यू है इसका बहुत ही बढ़िया है। मैं आप लोगों को बोला था ना, एक पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है, वहाँ पे गेहूँ बोया गया है। और फिर हम लोग आए हैं चर्च के पास, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये चर्च है। तो यहाँ पे हर एक गाँव में हर एक शहर में चर्च बहुत ही रहता है। तो चलिए अंदर लेके चलते हैं। अब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ भी नहीं रहता, सबको यहाँ पे चर्च के अंदर जाता है। तो मैं भी चल रहा हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इसके चर्च के अंदर देख सकते हैं, तो पहली बार है मेरा चर्च के अंदर, नहीं दूसरी बार है। तो इसके अंदर हम लोग अंदर गए थे, देख सकते हैं मतलब एकदम अंधेरा सा भूत बंगला जैसा दिख रहा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सामान रखा हुआ है प्रिजर्व करके पुराने ज़माने से। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हैंगर देख सकते हैं, ओल्ड मॉडल है। और फिर यहाँ पे कुर्सी वगैरह पूरा रखा गया है, 250-300 साल पुराना कुर्सी वगैरह है। और यहाँ पे प्लस का सिंबल देख सकते हैं जो कि क्रिश्चियनिटी का है। इट्स ऑल फ्रॉम द पास्ट। ये लड़कियां लोग कहीं भी हल्ला मचा देती हैं, छोटा सा काकरोच देखेंगी तो उस पर भी शोर मचा देंगी। तो लड़कियों का सिस्टम कॉमन है, चाहे इंडिया में रहे चाहे फॉरेन में रहे, छोटी छोटी चीज़ देख के चिल्लाने लगती हैं सब। और यहाँ पे देख सकते हैं मतलब सब पता नहीं कितने साल से ऐसे रखे हैं सब, यहीं पर धूल उल जम गया इस पर। और फिर हमारे प्रोफेसर थे, हमको एप्रिकॉट दिए थे खाने के लिए, इसी से तोड़ा गया था। और फिर जो हमारे गाँव की थी वो बता रहे हैं पुराने ज़माने में कैसे हल यूज़ किया जाता था। और फिर शाम को एक मीटिंग हुआ था और गेस्ट लोग आए थे, सब लोग ऐसे बैठ के आराम से मीटिंग में बैठे थे। और फिर खाने की बात करें तो सुबह का नाश्ता यहाँ से ऐसे केक है, फिर फ्रूट से हुआ, ब्रेड है, ब्रेड पे न्यूटेला और डाल सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी बहुत सब पीते हैं, बहुत काफ़ी पीते हैं सर, दिन में 3-4 बार। और यहाँ पर जूस वगैरह है, जूस। और हम लोग देख सकते हैं इटालियन डिश क्रोशेंडो कुछ है, शायद करी फूफ जैसा है, दिख रहा है हमको। इसमें एग वगैरह मिला है तो आता है। और फिर खाने की बात करें तो पास्ता बहुत मिलता है यहाँ पे, तो ये जुकनी के साथ है, एक दिन दूसरा पास्ता मिला था और इसमें कुछ पेस्ट पास्ते डाला गया था। और फिर यहाँ पे सब लोग अपना अपना मिल के खाना ऐसे सब कुछ लेता था, तो जो मर्जी वहाँ हम लोग ले सकते थे। वेज नॉन वेज दोनों था, कोई भी अलग अलग नहीं था, सब एक में था। तो अच्छी बात है वेज मिल जा रहा है। और फिर एक दिन ऐसे मिला था, देख सकते हैं इसमें। और इम्पॉर्टेंट बात है ना, देखिए प्रोफेसर्स लोग हैं, स्टूडेंट्स लोग बिजी थे अपने काम करने में, तो प्रोफेसर्स लोग अपना बर्तन साफ़ कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे थे, बहुत ही इज्जत देते हैं, तन को भाव नहीं खाते हैं प्रोफेसर लोग, बहुत ही अच्छे हैं यहाँ के।